गुड मॉर्निंग एवरीवन, मैं हूं शिल्पा दास और फाइव पैसा में आपका स्वागत है। तो आइए देखते हैं कि आज मार्केट कैसा रहेगा। सबसे पहले बात करते हैं निफ्टी और बैंक निफ्टी की। निफ्टी को अराउंड 17,600 का सपोर्ट मिल रहा है और 18,050 रेजिस्टेंस का काम करेगा। वहीं बैंक निफ्टी को अराउंड 39,100 का सपोर्ट मिल रहा है और 40,100 रेजिस्टेंस का काम करेगा। तो आइए बात करते हैं फाइव मोमेंटम स्टॉक्स फॉर द डे के बारे में। कैश डिलीवरी की बात करें तो आप इसे होल्ड कर सकते हैं 7 से 10 दिनों के लिए। सबसे पहले आता है आयशो मोटर्स, जहां पर रिकवरी ऑन कार्स है, तो आप इसे बाय कर सकते हैं 2662 पर। स्टॉप लॉस लगा सकते हैं 2595 पर। पहला टारगेट 2730 और दूसरा रख सकते हैं 2800 पर। फिर आता है सेंचुरी प्लाईबोर्ड, जहां पर पॉजिटिव मोमेंटम नजर आ रहा है, तो आप इसे बाय कर सकते हैं 644 पर। स्टॉप लॉस 627 पर। पहला टारगेट 633 और दूसरा 682 पर लगा सकते हैं। फिर आता है RSWM, जहां पर फर्दर बाइंग एक्सपेक्टेड है, तो आप इसे बाय कर सकते हैं 479 पर। स्टॉप लॉस 466, पहला टारगेट 494 और दूसरा 512 पर रख सकते हैं। इसके बाद है देवयानी इंटरनेशनल, जहां पर पॉजिटिव चार्ट नजर आ रहा है, तो आप इसे बाय कर सकते हैं 147 पर। स्टॉप लॉस 142, पहला टारगेट 153 और दूसरा 163 पर रख सकते हैं। फिर है असाही इंडिया, जहां पर साइडवेज मूव टू एंड है, तो आप इसे बाय कर सकते हैं 445 पर। स्टॉप लॉस 432 पर। पहला टारगेट 460 और दूसरा 480 पर रख सकते हैं। आइए बात करते हैं कॉस्ट, जो हमने आपको रिकमेंड किए थे, उसके परफॉर्मेंस के बारे में। सोबा 11.8% ऊपर गया, टच बोर्ड टारगेट्स। वहीं सेंचुरी प्लाय 10% ऊपर गया, टच बोर्ड टारगेट्स। इसी के साथ डिक्सन 6.3% ऊपर गया और प्रेस्टीज 2.3% ऊपर गया। बात करते हैं स्टॉक इन न्यूज़ की। इसमें है डिवीज लैब, लूपिन और भारती एयरटेल। डिवीज लैब की बात करें तो डिवीज लैब ने सैटरडे को सितंबर क्वार्टर रिजल्ट्स अनाउंस किए। इनका टोटल इनकम रहा एट रुपीज़ 2,006.62 करोड़, 13.8% ईयर ऑन ईयर ऊपर। वहीं पैट 16.71% एज कम्पेयर टू लास्ट क्वार्टर बढ़ा टू रुपीज़ 606.46 करोड़। वहीं लुपिन ने लॉन्च ऑफ द ऑथराइज्ड जेनेरिक वर्जन ऑफ अंतरा फेनोफाइब्रेट कैप्सूल्स अनाउंस किए। ये कैप्सूल एक ओरल मेडिकेशन है, जो कि एबनॉर्मल ब्लड लिपिड लेवल्स को ट्रीट करने में इस्तेमाल होता है। भारतीय एयरटेल की बात करें तो भारतीय एयरटेल का पैट सर्ज 300% क्वार्टर ऑन क्वार्टर टू रुपीज 1,134 करोड़ इन सेकेंड क्वार्टर फाइनेंशियल ईयर 22। एडजस्टेड पैट स्टूड एट रुपीज 594 करोड़। कंसोलिडेटेड रेवेन्यूज इंच्ड अप 6% क्वार्टर ऑन क्वार्टर टू रुपीज 28,326 करोड़। बात करें FII और DI डेटा की, तो FII और FPIs ने नेट रुपीज 328.11 करोड़ के शेयर सेल किए और DIIs ने नेट रुपीज 38.25 करोड़ के शेयर्स परचेज किए। मॉर्निंग अपडेट में फिलहाल इतना ही। अगर आपके कोई भी सजेशन या सवाल है तो आप हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं, और स्टॉक रिलेटेड और भी खबरों के लिए हमारे चैनल के साथ बने रहें। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो आप इसे लाइक करना ना भूलें, साथ ही हमारे चैनल फाइव पैसा को सब्सक्राइब करें और डोंट फॉरगेट टू हिट द बेल आइकन फॉर मोर नोटिफिकेशंस। स्टे ट्यून्ड।